सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत आप लोग राजन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट अर्धलघुत्तरीय क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वो विकल्पी क्वेश्चंस के ऑलरेडी मैंने पूरे के पूरे पवन सीरीज के सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए हैं और अर्धलघुत्तरीय भी पढ़ा दिए हैं उसके। अब यहाँ पर भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोग राजन सीरीज के पूरा मैंने कम्प्लीट करा दिया है। अब अर्धलघुत्तरीय क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर जा रही हूँ कम्प्लीट करवाने। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जो अनुच्छेद 51 का है या 51A है, इसमें क्या लिखा हुआ है? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध मौलिक कर्तव्यों से है। मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हंटर आयोग के 2 कार्य लिखिए। तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उसमें विकास और सुधार करने का सुझाव दिया। इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ईसाई मिशनरियों को नहीं सौंपा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं? तो राष्ट्र स्तर पर शिक्षा के लिए काम करने वाली कौन कौन सी संस्था है? तो NCERT है, NCTE है, UGC है, AICTE है। ये सब क्या है? ये ऑल इंडिया लेवल पे यानी कि पूरे देश स्तर पे काम करने वाली संस्थाएं हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है? तो शिक्षा के उन्नतीकरण में या शिक्षा के उन्नयन के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी कि जो BRC है, इसका क्या काम है? तो विकास खंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र बेसिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन करके शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और जिला स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों को तेज करना। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है कि ये पूरा, मान लीजिए आप किसी भी जिले में रहते हो, उत्तर प्रदेश के, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बस्ती हो, चाहे खलीलाबाद, चाहे संत कबीर नगर हो, या फिर अम्बेडकर नगर हो, या लखनऊ हो, किसी भी जिले में आप रहते हो, तो जिस भी जिले में आप रहते हो ये आपका जिला मान लीजिए हो गया। अब इस जिले को विकास खंडों में बांटा गया है और ये जितने भी विकास खंड आप देख रहे हो, इन सभी विकास खंडों में होता है BRC, ब्लॉक संसाधन केंद्र। यहीं पर खंड शिक्षा अधिकारी बैठते हैं और ये जो BRC होता है, अब ये इस BRC को, हर एक BRC को कुछ अमाउंट में स्कूल दे दिए गए हैं कि अगर टोटल 200 स्कूल हैं एक जिले में, तो 200 स्कूल में से कुछ स्कूल इस BRC को मिलेंगे, कुछ दूसरे को, कुछ तीसरे को, इस तरह सारे खंड, सारे के सारे ब्लॉकों को अलग अलग स्कूल पहुंचा दिए गए हैं, ठीक है। अलग अलग स्कूल दे दिए गए कि इतने स्कूलों की जिम्मेदारी आप संभालोगे। तो मान लीजिए ये कोई BRC, इस BRC को मान लीजिए टोटल 150 स्कूल मिले हैं। दोस्तों, केवल 200 स्कूल यहाँ पर मैंने माना है किसी भी जिले में, लेकिन कम से कम किसी भी स्कूल, किसी भी जिले में कम से कम 1000 से कम स्कूल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई BRC, इसमें 150 स्कूलों की जिम्मेदारी दी गई है इसको। तो ये जो 150 स्कूल है, अब इन 150 स्कूलों में जितने भी टीचर हैं, उन सभी टीचर्स के जो प्रशिक्षण होंगे यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग होगी, जो कार्यशाला का आयोजन होगा, सब टीचर आकर के इसी BRC पर करेंगे, उस ट्रेनिंग को, उस कार्यशाला को आकर अटेंड करेंगे। तो ये सारे काम इसी BRC पर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसी BRC पर बच्चों की किताबें भी आती हैं जो बच्चों को आकर के फिर बंटती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या क्या काम होता है, यहाँ पर शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलता है, कार्यशाला का आयोजन होता है और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, शिक्षा में की गुणवत्ता में सुधार और जिला स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों को तेज करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए थे? तो प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का शिक्षण प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए तथा के साथ ही उन्हें वेतन और सेवा शर्तों में भी सुधार किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो लॉर्ड कर्जन है, इन्होंने 2 वर्ष के शिक्षण प्रशिक्षण की बात की थी, 2 वर्ष का शिक्षण प्रशिक्षण देने की बात इन्होंने कही थी और उसके साथ उन्होंने वेतन और सेवा शर्तों में भी सुधार किया था कि शिक्षकों का वेतन अच्छा होना चाहिए, तो ये सब बात इन्होंने कही थी। इसके बाद देखिए, प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना सरकार का मुख्यतः उत्तरदायित्व है, अतः इस ओर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। यानी कि प्राथमिक शिक्षा जो है, इसका पूरा का पूरा जो उत्तरदायित्व है वो सरकार का है कि किस तरीके से बच्चों को सही से प्राथमिक शिक्षा मिले, क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कराया जाए एवं इसमें उपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाए, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया जाए एवं उसमें अंग्रेजी को स्थान न दिया जाए,
प्राथमिक स्तर की शिक्षण गतिविधियों का विकास किया जाए तथा किंडरगार्टन प्रणाली का प्रयोग किया जाए, ये सब कहना था लॉर्ड कर्जन का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, तो आपको पता है देखिए इसमें नारी समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति तथा जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा और पूर्व बाल्यकाल शिक्षा, परिचर्या एवं शिक्षा संबंधी योजनाओं को प्रस्तुत किया गया था। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 आपको पता है, जिसमें बस्ते का बोझ के विषय में बताया गया था कि बच्चों का जो पाठ्यक्रम है उसको कुछ कम किया जाए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इतनी सारी चीजों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है। दोस्तों शिक्षा को समवर्ती सूची में आप देख सकते हो यहाँ पर कब रखा गया था, शिक्षा के व्यापक एवं जटिल स्वरूप के कारण 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। इसका उद्देश्य केंद्र तथा राज्यों के सम्मिलित एवं समन्वित प्रयासों द्वारा शिक्षा के स्तर का उन्नयन करना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें केंद्र और राज्य सरकारें क्या करती हैं, मिल करके काम करती हैं जब ये कोई भी चीज समवर्ती सूची में होता है, तो इसीलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया ताकि दोनों सरकारें मिल करके जब सम्मिलित प्रयास करेंगी तो शिक्षा का स्तर और सुधरेगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ, तो स्कूल चलो अभियान जुलाई 1996 में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ये सारे क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है, तो इस परियोजना का उद्देश्य घातक उद्योगों से 2010 तक बाल श्रम को समाप्त करना था। बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन इस परियोजना का एक क्रमिक लक्ष्य, आपको पता है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको स्कूलों में भेजना है, उनको पढ़ाई करवानी है, उनसे काम नहीं करवाना है। तो इसीलिए जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना थी, इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी कल कारखाने हैं जहाँ पर कठिन कठिन काम होते हैं वहां पर बच्चों को ना लगाया जाए, ऐसे उद्योग धंधों में ना लगाया जाए जहाँ पे खतरा होता है जान का, तो ये सब चीजें, इन सब से बच्चों को दूर रखा जाए, इसी को लेकर के यहाँ पर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना बनाई गई थी। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, CTE किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है, तो यह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को तैयार करता है। 2020 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा बिना बोझ के में कितने प्रकार के बोझ बच्चों में होने की बात कही गई, तो दो प्रकार के, भौतिक बोझ और मानसिक बोझ। भौतिक बोझ का मतलब कि बच्चों को इतने सारे विषय हैं और इतनी सारी किताबें कॉपियां हैं कि बच्चों का जो बैग है वो भरा रहता है, तो ये भौतिक बोझ हो गया। और भौतिक बोझ की वजह से कि ये इतने सारे सब्जेक्ट है, इतना सारा असाइनमेंट करना है, इतने इतने सारे सब्जेक्ट का होमवर्क करना है, ये सब क्या हो गया, मानसिक बोझ हो गया। तो दो प्रकार के बोझ बताए गए थे शिक्षा बिना बोझ के में, यहाँ पर देखिए भौतिक बोझ और मानसिक बोझ, जो कि प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 में गठित की गई थी इसी के लिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूपा का कार्यालय कहाँ है, तो न्यूपा का कार्यालय दिल्ली में है। फिर है RTE का पूरा नाम क्या है, तो RTE का नाम पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि 2010 में पूरे देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है, इसको केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है इस पर। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1882 में हुआ था, जिसे हम हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था, तो कोठारी आयोग का गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर DS कोठारी थे, प्रोफेसर DS कोठारी। क्वेश्चन नंबर 18 है, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है, तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है, समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है, संविधान के 42वें संशोधन में भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख मिलता है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, आप लोग ये भी समझिए कि किसी भी विशेष जाति धर्म समुदाय को यहाँ पर कोई भी लाभ प्राप्त नहीं है, सभी लोगों को यहाँ पर समान रूप से देखा जाए, किसी भी जाति विशेष धर्म को यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं माना गया है कि बहुत ऊंचा है नीचा, ऐसा कुछ नहीं, सभी को बराबर अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक कौन थे, तो फ्रॉबेल थे, इन्होंने ही किंडरगार्टन प्रणाली को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता, तो ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है प्रयोजनवाद।
2017 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो प्रश्न विधि के जनक कौन है? सुकरात है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, तो प्रकृति को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो भौतिकवाद के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन का प्रारंभ किया था? तो 1839 में दोस्तों किया था। दोस्तों कहीं कहीं 1840 भी मिलता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो 1840 को भी आप सही लगा लीजिएगा, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में 1839 ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ? तो राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद, यहाँ पर अब आप प्रयागराज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब इलाहाबाद जहाँ भी आपको लिखना होगा वहां पर आप प्रयागराज लिखोगे, क्योंकि इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया। फिर राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये भी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है, ठीक है। इसके बाद देखिए, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ? तो ये वाराणसी यानी कि बनारस में है। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये भी इलाहाबाद में है यानी कि प्रयागराज। मैक्सिमम जगह क्या है? प्रयागराज में ही है। फिर है मनोविज्ञान का निर्देशन विभाग कहाँ या मनोविज्ञान शाला कहाँ? इलाहाबाद, यहाँ पर भी प्रयागराज आपको लिखना है। फिर है राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। तकनीकी संस्थान पूछेगा तब आपको लखनऊ लगाना है। इसके अलावा राज्य परियोजना कार्यालय पूछेगा तो भी आपको लखनऊ लगाना है। SCERT कार्यालय पूछेगा तो भी आपको क्या लगाना है? लखनऊ लगाना है, लखनऊ, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, सीमेट कहाँ है? तो सीमेट इलाहाबाद में है यानी कि प्रयागराज में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये भी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। क्वेश्चन नंबर 34 है, SCERT का पूरा नाम क्या है? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। क्वेश्चन नंबर 35 है, NCERT का पूरा नाम क्या है? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1981 में हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? 1961 में। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि NCERT का गठन कब हुआ था, अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा, NCERT 1961 और SCERT 1981, ठीक 20 साल बाद, ठीक है, बना था SCERT NCERT के बनने के बाद। क्वेश्चन नंबर 38 है, मिड डे मील योजना क्या है? इसको स्पष्ट करिए, या पोषाहार वितरण योजना क्या है? तो शिक्षा में सबको समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समाज के अत्यंत दुर्बल एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को, जहां अभिभावकों के लिए दो वक्त का पूरा भोजन जुटाना परिवार के लिए मुश्किल होता है, ऐसे बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना संचालित की गई है, जहाँ पर बच्चों को पका पकाया भोजन दिया जाता है, जिससे बच्चों के नामांकन में क्या हो, वृद्धि हो। जब बच्चों को स्कूल पे खाना मिलेगा तो वो सिर्फ उन्हें स्कूल पढ़ने आना रहेगा, तो स्कूल में आकर के वो पढ़ाई भी करेंगे और खाना भी खाएंगे, और इससे बच्चों के नामांकन में वृद्धि होगी, यही सोच करके ये योजना चलाई गई। क्वेश्चन नंबर 39 है, NCTE का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 40 है, सीमेट का पूरा नाम क्या है? तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 41 है, सीमेट का गठन कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? इलाहाबाद में है, ठीक है। तो ये सीमेट कहाँ है? इलाहाबाद में है। ये भी आपने देखा भी, जिसको हम प्रयागराज लिखेंगे, अब हर जगह जहाँ भी इलाहाबाद आएगा वहां पर हमें प्रयागराज ही लिखना है, आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCT की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCT में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 41 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था? तो 2004 में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पर हो रही है, याद रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 46, सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ? तो सन 2001 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का पूरा नाम, तो यही पूछा ही है, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 48, DPEP का पूरा नाम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को फंड कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको फंड कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। एग्जाम में पूछा गया है आपके कि DPEP योजना को फंड कौन देता है, वित्तीय सहायता कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 49 है,
डीपीईपी का आरंभ कब हुआ? तो 1997 में हुआ था। और देखिए क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है कि डीपीईपी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में कुल चयनित जनपदों की संख्या बताइए। तो प्रथम चरण में 50 से 60 जनपद, द्वितीय चरण में 22 जनपद और तृतीय चरण में 32 जनपदों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है? तो यह 5 अक्टूबर 1993 से ही प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा परियोजना में चयनित जनपदों की संख्या कितनी है? तो 10 है। क्वेश्चन नंबर 53 है, संविधान के अनुच्छेद 21 में किससे संबंधित संस्तुतियां दी गई हैं? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 21 ए में ही तो कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है राज्यों को। क्वेश्चन नंबर 54 है, ओबी का पूरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। क्वेश्चन नंबर 55 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना कब की गई? तो 5 मई 1988 को संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 56 है, पोषाहार वितरण योजना कब शुरू की गई? तो 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 57 है, न्यूपा का पूरा नाम बताइए? राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 58 है, न्यूपा का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? निदेशक होता है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को विकसित करने का दायित्व तो किसे सौंपा गया है? तो यह सौंपा गया है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डायटों को सौंपा गया है। जैसे कि एक कोई भी जिला होता है तो उसमें डायट होता है। अब डायट के अंदर में जितने भी निजी कॉलेज खोले गए हैं उस जिले में, उस जिले के अंदर इन सभी कॉलेजेस की मॉनिटरिंग कौन करता है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान करता है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, डीपीईपी का पूरा नाम क्या है? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 61 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों डीपीईपी कार्यक्रम 1997 में प्रारंभ किया गया था, सही कर लीजिएगा। यहाँ पे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1997 में हुआ था। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो 1997, ये देखिए डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ 1997 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, वर्ष 1997 में डीपीईपी द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले चुने गए? तो टोटल 22 जिले चुने गए थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर डीपीईपी, यहाँ पर भी बताया गया कि 1997 में ही स्टार्ट हुआ था, डीपीईपी की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश जिले को शामिल कर लिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है? तो इसे विद्यालयी शिक्षा की तैयारी कहते हैं, इसका दूसरा नाम विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम है, यानी कि विद्यालय की ओर उन्मुख बच्चे या विद्यालय जाने के लिए बिल्कुल तैयार। क्वेश्चन नंबर 64 है, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का क्या तात्पर्य है? तो विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। इसीलिए आंगनवाड़ी में बच्चों को खेल खिलाया जाता है, बच्चों को तरह तरह के कार्यक्रम करवाए जाते हैं, सृजनात्मक कार्य करवाए जाते हैं, ताकि बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हों। इसके अलावा जो बच्चे आंगनवाड़ी में नहीं गए होते हैं, डायरेक्ट वो कक्षा 1 से 5 यानी कि प्राइमरी स्कूल में आ जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को 6 सप्ताह यानी कि 6 सप्ताह से लेकर के 2 महीने तक यानी कि 6 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह तक उनको पूर्व प्राथमिक की चीजें पढ़ानी होती हैं, ताकि बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो जाएं। तो विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम की संकल्पना क्या है? देखिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर के यानी कि कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? केरल है। क्वेश्चन नंबर 67 है, सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया गया? तो 2002 से, और 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी सर्व शिक्षा अभियान की, और 2002 से यह प्रदेश के सभी जिलों में, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यह शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है, यानी कि धन कौन देता है इस अभियान को चलाने के लिए? तो इस अभियान को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें मिलकर के चलाती है। 65% योगदान केंद्र सरकार का होता है और 35% राज्य सरकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, NPEGEL यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल क्या है? तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है, उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। लड़कियों की शिक्षा के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया था और इसमें उनके स्कूलों में वो आए, स्कूलों में वो रुके यानी कि पढ़ाई करें पूरी, उसके बाद वो प्राथमिक शिक्षा तो कम से कम कंप्लीट कर लें,
यही इसीलिए बनाया गया है एनपीई जीईएल कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 70 है, एनपीई जीईएल का क्षेत्र बताइए। तो महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉक या विकास खंड, 10% से कम साक्षरता वाले विकास खंड, चयनित शहरी मलिन बस्तियां। ठीक है, तो ऐसी जगहों को टारगेट किया जाता है जहां पर लड़कियों की शिक्षा बहुत कम है, ऐसे जगहों पर इस कार्यक्रम को चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया था। तो स्कूल चलो अभियान जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम सभा स्तर पर इसको चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है। तो यह 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक चलाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है, तो 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक। क्वेश्चन नंबर 73 है, स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता परसेंट कितना थी। तो देखिए 12% थी दोस्तों। यहाँ पर देखिए अतिलघुत्री क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 12% बताया गया। मैंने ऑलरेडी बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जहां पर 14% दिया हुआ था वहां पर मैंने आपको कहा था कि या तो 12% सही होगा या तो 18% सही होगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपकी सीरीज में सही छपा हुआ आंसर यहाँ पर आ गया है, तो 12%। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 74, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। कम से कम सुविधाएं स्कूलों में पहुंचे, कम से कम संसाधनों में भी हम स्कूल को चला पाए, यही उद्देश्य था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का। 2019 में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है। तो 3 से 6 साल के बच्चे को करीब 1200 से 1600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, एनसीएफ 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया। तो 2005 का जो अस्तित्व है यह पाठचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, और यह बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछा गया है तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एनसीएफ 2005 का अस्तित्व पाठचर्या का संवर्धन एवं पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 77 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण लोकतंत्र में जाति धर्म रंग भेद तथा स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने अस्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने को ही शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहते हैं। अब यहाँ पर सिंपल भाषा में आप समझिए कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मतलब ये है कि कोई भी किसी भी जाति धर्म लिंग समुदाय वर्ग से आता हो, सभी को शिक्षा का समान रूप से अधिकार है, यही कहता है शिक्षा का सार्वभौमिक करण। क्वेश्चन नंबर 78 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है। दोस्तों संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाए एक, ये है इसका प्रेरक वाक्य। ठीक है, एक पढ़ाए एक, इसको याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में बहुविकल्पी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, और ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 है, डीपीईपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया था। तो ये प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए और विद्यालय में बच्चों का ठहराव करने के लिए बनाया गया था डीपीपी कार्यक्रम। ठीक है, डीपीपी कार्यक्रम का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया था, इसलिए किया गया था ताकि जो बच्चे हैं प्राथमिक स्तर के उनकी शिक्षा अच्छी हो पाए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है, डीपीपी का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया था, तो यहाँ पर ये तो डीपीपी के कार्य हो गए कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना और विद्यालय में बच्चों का ठहराव करना, ये तो इसका काम हो गया इस योजना का। लेकिन इसे किस योजना के आधार पर किया गया था, डीपीपी को आखिर में बनाने के पीछे कौन था, तो दोस्तों ये था संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 जिसे हम यशपाल कमेटी भी कहते हैं, इसी के आधार पर, इसी का अनुसरण करते हुए डीपीईपी को बनाया गया था। तो याद रखिएगा, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसरण में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए ये योजना बनाई गई थी, और इसको फंड कौन देता है डीपीईपी को, वर्ल्ड बैंक देता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो किस योजना के आधार पर बनाया गया था, तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर बनाया गया था, याद रखिएगा, और ये सब तो इसके काम हो गए। क्वेश्चन नंबर 80 है, राष्ट्रीय पाठचर्या या राष्ट्रीय पाठ सूची 2005 में शिक्षक के क्या दृष्टिकोण हैं। तो निर्देशों के आधार पर अवलोकन, अनुभव, प्रयोग आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध कराने की क्षमता, बच्चों को प्रैक्टिकली समझाया जाए, प्रैक्टिकली बताया जाए, हर चीज केवल थियरी, बस केवल क्वेश्चन आंसर लिखा करके चैप्टर को ना क्लोज किया जाए, यही इसमें कहा गया था कि बच्चों को पढ़ाई की बाहरी दुनिया से, बच्चों के ज्ञान को समाज के या बाहरी दुनिया से जोड़ना, जो भी ज्ञान हम उनको दे रहे हैं उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना है हमको। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है।
दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, शासन की कमजोर नीतियां, राजनीतिक कठिनाइयां, शिक्षकों का अभाव, सबसे बड़ा अभाव क्या शिक्षकों का है। क्वेश्चन नंबर 82 है, न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा भी चुकी न्यूनतम अधिगम स्तर का मतलब क्या होता है, कि न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कक्षा 8 की बात की गई है, मान लीजिए नमन या अमन कोई बच्चा है जो कक्षा 8 का छात्र है, और इसके लिए बोर्ड द्वारा यह निश्चित किया गया है कि कम से कम 33% अंक प्राप्त करने वाला छात्र ही उत्तीर्ण होगा। यानी कि 100% में से अगर 33% भी कोई बच्चा पाया है तो वो पास माना जाएगा। ठीक है, तो उस बालक के द्वारा सत्र में मेहनत करके आठवीं के स्तर को पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, और यही न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। यानी कि 33% से अगर कोई 34 ले आया, कोई 40, कोई 50, कोई 90, कोई 95 ले आया तो वो अलग बात है, लेकिन 33% सभी बच्चों को कम से कम 33% तो लाना ही है अगर उनको इस कक्षा को पास करना है। तो यानी कि कम से कम इतना तो बच्चे को आना ही चाहिए जिससे वो क्या कर ले, कक्षा को कोई भी बच्चा हो क्लास का सभी पास कर ले। तो ये क्या हो गया, न्यूनतम अधिगम स्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 है, महिला सामाख्या कार्यक्रम क्या है। तो यह योजना 1989 में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाओं को के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 84 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि डीपीईपी के दो अधिकार बताइए। तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना और विद्यालय में बच्चों को के ठहराव को बढ़ाना, ऑलरेडी अभी आपने देखा भी है। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रारंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत किन जनपदों को रखा गया था। तो 10 जनपदों को रखा गया था। देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 86 है, अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के दो उद्देश्य बताइए। तो नामांकन में वृद्धि करना और बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना, यही इस परियोजना का उद्देश्य था, 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद के किन्हीं दो कार्यों को बताइए। तो प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना और शोध सर्वे सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन करना, यही काम होता है SCERT का, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 88 है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना कब हुई। 17 अगस्त 1995 को हुई। क्वेश्चन नंबर 89 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पर हुई। तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है, आप लोग का जो डायट है सभी जिलों में बना हुआ है। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया था 1987 में ही। क्वेश्चन नंबर 90 है, ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं। यह एक ऐसा कोर्स है जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को अथवा ऐसे बच्चों को जो किसी कारण से शिक्षा से जुड़ नहीं पाए हैं उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाए। यानी कि उन्हें शॉर्ट में या एक्स्ट्रा क्लास देके किसी भी तरीके से उन बच्चों को अलग से उस कोर्स को पूरा करवाना या उन बच्चों को वो चीजें सिखाना जो वो नहीं सीख पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की क्या विशेषताएं हैं। तो यह कार्यक्रम उन बच्चों के लिए जो सीधे कक्षा 1 में एडमिशन ले लेते हैं, तो ऐसे बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है इसी कार्यक्रम के माध्यम से, स्कूल रेडीनेस। क्वेश्चन नंबर 92, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना को लागू किए जाने का क्या उद्देश्य है अथवा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना क्या है। 2017 में 20 में भी पूछा गया है। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के संचालन का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ही ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड बनाया गया है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत 2 कमरे वाला स्कूल और 2 शिक्षक, कम से कम इतनी चीजें तो स्कूल में होनी ही चाहिए। इसके अलावा पाठ्य सामग्री, शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं भी स्कूल में होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आगे देखते हैं, प्रत्येक विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत निम्न सुविधाएं होनी चाहिए। कौन कौन सी, 2 बड़े पक्के कमरे जिसके सामने क्या हो, एक छोटा सा बरामदा हो, कम से कम 2 अध्यापक, कम से कम 2 बड़े कमरे और 2 अध्यापकों की नियुक्ति जिसमें यथासंभव 1 महिला होगी, खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों तथा शिक्षण अधिगम सामग्री। क्वेश्चन नंबर 93, शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं। तो अपव्यय का तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही छात्र को किसी स्तर पर छोड़ देना है। तो अपव्यय ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है कि बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने के बाद स्कूल आया ही नहीं, उसने स्कूल छोड़ दिया,
तो ये क्या हो गया अपव्यय और रोधन क्या है कि बच्चा एक कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रुक जाता है, यानी कि कक्षा 3 में है तो 3 से वो 4 में पहुंच ही नहीं पा रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो ये क्या है अवरोधन है, यानी कि उसकी पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हो गया है। क्वेश्चन नंबर 94 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित करने का क्या उद्देश्य थे? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को घोल के आप लोग पी जाइए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल पूछता है, चाहे बहुविकल्पी चाहे लघु उत्तरी क्वेश्चन, पूछना ही पूछना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 95 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग बना था 1952 में और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है, इसकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 96 है, हंटर कमीशन की विशेषता बताइए। तो हंटर कमीशन ने शिक्षा का दायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया था और उनके सुझाव से देश में राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई थी, क्योंकि भाई भारतीयों की शिक्षा है तो उस पर उसका दायित्व भी किसके ऊपर होना चाहिए, भारतीयों के ऊपर होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 97 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य है? तो बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को गुणात्मक या गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 98 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई है? तो 2004-05 से शुरू की गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 है, बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं? तो इसे बाल श्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई? विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने के कारण, जब बच्चे लगा कि स्कूल से गायब होने लगे या वो खाना खा के नहीं आते थे तो इनरोल बच्चे भूखे रहते थे, भूखे रहने की वजह से वो क्या करते थे, स्कूल छोड़ करके चले जाते थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्कूल थे पहले जहां पर बाउंड्री नहीं होती थी, तो इस वजह से बच्चे घर भाग जाते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया, ये सरकार ने ये डिसाइड किया अगर स्कूल में ही बच्चों को खाना मिलने लगेगा तो बच्चे जाएंगे नहीं स्कूल छोड़ करके, ठीक है। तो आवश्यकता इसीलिए महसूस हुई कि विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट, जो बच्चे जो ड्रॉप आउट करके स्कूल चले जाते हैं वो ना हो, इसीलिए मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील योजना शुरू की गई, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग अब हमारे सारे वीडियोज को देख रहे होंगे। दोस्तों अगर आपने केवल और केवल मन से हमारे चैनल टारगेट यूपीटेट स्टेट से सारे के सारे विषयों को अच्छे से पढ़ लिया तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूँ, अगर आप खाली सारे वीडियोस को अच्छे से देख करके चले गए हो तो भी आप अपने एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, क्योंकि कुछ भी हमने छोड़ा ही नहीं है, सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ाए हैं, वो भी हैंड रिटन नोट्स में हाथों से लिख करके नोट्स बनाए हैं, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, सारे विषयों के आपको बहुविकल्पीय लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवा दिए हैं, सारे के सारे सीरीज चाहे पवन सीरीज हो राजन सीरीज हो, तो कुछ बचा ही नहीं है जो आपको हमने नहीं पढ़ाया है। तो आप सारे के सारे वीडियोज को देख करके जाते हो, केवल आपको एक ईयरफोन लगाना है कान में और सारे वीडियोज को सुन डालना है, सिर्फ इतना अगर आपने कर लिया तो भी आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों तुरंत, और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी, फिर भी कोई दिक्कत है लिंक ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।